आज गाइस आज के इस वीडियो में हम पेट्रा मशीन का एक एरर कोड आया है, तो एरर कोड कैसे रिसेट करते हैं, उसका क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए चेक करने के लिए आए हुए भी चेक करते हैं। ये सऊदी अरेबिया का अमेजोन का वेयरहाउस है, RUH का। ये सऊदी रूप पे सब लगा हुआ है, सऊदी का लोकेशन है सब। सेम लोकेशन पे यूनिट्स उसे भी इंस्टॉल किए हैं, वहाँ पर साइड में भी इसका एरर कोड है, वही चेक करते हैं। अलार्म है, ये इसका इलेक्ट्रिक पैनल है, इसको ओपन करके चेक करते हैं क्या अलार्म है। इसका इलेक्ट्रिक पैनल है, यहाँ पे सब कॉन्टैक्टर्स वगैरह लगे, कॉम्प्रेसर का मेन सप्लाई और फैन का सब लगा हुआ है, पैनल में सब कुछ है। इसका ये अलार्म आ रहा है, हीटर कटआउट का अलार्म है यहाँ पे। इसको रीसेट करना रहेगा तो प्रेस करके रखेंगे तो रीसेट हो जाएगा, कुछ अलार्म है वो रीसेट नहीं होता है, उसको क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के बाद ही रीसेट होगा। कोई नॉर्मल अलार्म रहेगा तो उसको कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर, तो ये अलार्म क्लियर हो जाता है। अब ये अलार्म क्लियर नहीं हो रहा है तो चेक करते हैं क्या इसका फॉल्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं हीटर लगा हुआ है, ये हीटर के बैक साइड में कुछ बटन स्विच दिए हुए हैं, इसको प्रेस कर देना है। यहाँ पे भी तीन हीटर के दिए हुए, अभी वो प्रेस करने के बाद सारे सेक्टर का अलार्म तो क्लियर हो गया है। अब इसको चालू कर रन करके देखते हैं, ये अभी ऑन कर दिया है।